तो भाई ये है बिरयानी मुझे। भाई बंद कर दो आप लोग फोटो। क्यों गुस्सा हूँ उसका कारण ये बच्चा बता रहा है। रिलैक्स रहेगी हिसाब से अलग है। फास्ट किस चीज का था हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। होप करता हूं सब हेल्थी होंगे, गुड होंगे, फिट होंगे, हैप्पी होंगे। तो भाई आज का व्लॉग जिम से स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि आज मैं सुबह जिम जाम तो जा आया था, उसके बाद मैं किसी काम से चला गया था, तो काम से वापस घर जा रहा हूँ। तो सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था यार, डेली व्लॉगिंग जब कर रहे हैं तो अब भाई आज का व्लॉग तो डालना बनता है। तो हमने अब किया व्लॉग स्टार्ट यहाँ दोपहर को, अभी दोपहर के बज रहे हैं भाई 1:30। और आपको पता है थोड़ा मैं डाइट पे अच्छे चल रहा हूँ, मेरा खुद से वादा मैं संडे को चीट करूँगा, तो इसलिए मुझे लग रही थी भूख अब बहुत ज़्यादा, पर मैंने कुछ गलत नहीं खाया भाई अब तक नहीं खाया। तो मैं सोच रहा हूँ पर भूख ज़्यादा लग रही है अभी ना, यहाँ पे ना एक वो मिलती है बिरयानी, मैं सोच रहा हूँ बिरयानी खा लेता हूँ, मेरा लंच भी हो जाएगा और परफेक्ट मील है विदाउट ऑयली और हेल्थी। अभी बस वो खाने जा रहा हूँ मैं और फिर वहाँ सीधा घर। ये आ गए भैया, भैया कहाँ हो, आ जाओ, हाफ बिरयानी लगा दो, हाफ बिरयानी। तो भाई ये है बिरयानी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अब मैं मसाले करवा रहा हूँ उसके ऊपर। तो जी अभी जिम के बाहर आ गया था क्योंकि कुछ सामान था मैंने वो घर लेके जाना था, लिया सामान लिया, हाँ घाट में रख दे। ये सामान ना कुछ था यार एक्स्ट्रा, ये मैंने घर लेके जाना था, ये ऊपर किचन में रखा हुआ था किचन में, आज ना मैंने फ्रिज रखना है फ्रिज, अभी मैं फ्रिज लेके आऊंगा शाम को वो रखूंगा, तो ये सामान ना किचन थोड़ी खाली करा रहा था मैं इसलिए। गाइस मैं ना अभी अपने घर था मतलब सो के उठा था, तो ना मैंने टीवी ऑन किया था, तो टीवी ऑन मैं यूट्यूब देख रहा था, तो यूट्यूब पे ना अभी वो आया जो हमारे बराड़े में कन्हैया मित्तल का शो हुआ था ना, तो वो लाइव चल रहा था, तो यूट्यूब पे वो भी है कन्हैया मित्तल के चैनल पे। तो कई लोग मुझसे पूछते भाई मैंने जल्दी क्यों आ गया उस दिन, तो उस दिन बाद में ये चीज़ हुई है, मैं अभी देख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ, मुझे कईयों ने भी बताया बाद में कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था वहाँ पर प्रोग्राम में, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। अभी मैं थोड़ी क्लिप्स दिखाता हूँ आपको कि उस दिन बाद में और क्या क्या हुआ था। जब ये जॉब चल गई है बनाना नहीं है, ये साधू ताप है साहब। नैया मेरी बाबा अब ढोलने लगी है, इसको किनारा नहीं है। भाई बंद कर दो आप लोग फोटो ले लीजिए, हम गाते नहीं हैं, हम छोड़ देते हैं भाई गाना, तुम फोटो खींच लो बस। नजर नहीं आएगा भाई, लाइव चल रहा है, रिदम से बाहर हो गए तो कलाकारी हमारी 2 मिनट में निकल जाएगी। इस मंच के ऊपर जब मैं आया था कोई नहीं था, और यहाँ का एक स्पीकर अब मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि आप सब लोग इसके आगे आ गए। बताओ कहाँ गाएगा आदमी, बताओ कहाँ गाएगा, हम लोग इसीलिए नई जगह नहीं आते हैं। जिन लोगों को व्यवस्था बनानी है वो लोग ऊपर बैठे, सोचना चाहिए हम लोगों को। मैं कह रहा हूं मुझे साज नजर नहीं आ रहा साहब, मुझे गाने दो, मैं यही गा लेता हूं अपने साज के पास। वेरी बैड वेरी बैड, बंद कर देते हैं बहन जी, फोटो खींच लेते हैं यहां, मैं यही गाऊंगा साहब, मैं आगे नहीं जाऊंगा, नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगा।
आप लोगों को अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कन्हैया मित्तल तो दिख रहे हैं अब। मुझे ना बता भाई, मेरे बाद ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे सबने कहा कि तुझे वहाँ होना चाहिए था, तुझे वीडियो बनाना चाहिए थी, दिखाना चाहिए था सबको। तो मैं तो आज देख रहा हूँ, आज फ्री था तो आज वैसे ना यूट्यूब पे ऊपर आ गया था। चलो आगे देखते हैं अभी। देखो इस टाइम ना कन्हैया मित्तल बिल्कुल भी खुश नहीं है, अब मूड ऑफ हो चुका है इस टाइम। लो भाई जो बोल रहे थे मुझे, कहे तू जल्दी आ गया, तुझे पूरा दिखाना चाहिए था कि वहाँ वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो भाई मैं इस व्लॉग में कवर कर दिया वो, मैं तो सडनली देख लिया आज। और भाई मैं अपना वो जो मैंने बनाया था अपने वीडियो, उसका मैं लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लेना जो मैंने व्लॉग बनाया था जब कन्हैया मित्तल जी आए थे यहाँ पे। बाकी कोई हम तो भाई अपना माथा टेकने गए थे खाटू श्याम का, वो हम टेक आए थे बस। तो भाई आज ना सुबह वर्कआउट नहीं किया था हमने, क्योंकि हमारा लेग्स थी, तो हम सोचे थे शाम को वर्कआउट करेंगे बढ़िया वाला। मतलब मेरे जो हिप के ऊपर पेन है ना वो तो है ही है, वो जिस पे इफेक्ट होगी मैं वो एक्सरसाइज नहीं करूंगा, पर आज लेग्स मैंने अच्छे से ट्रेन करनी है, इसलिए मैंने सुबह नहीं किया था कि शाम को लेग अच्छे से ट्रेन करेंगे। भाई मैं ना लेग्स का वर्कआउट लगाने लग रहा था पर फिर ना लगाया नहीं भाई, क्योंकि मेरे हिप में दर्द है और मेरा भाई है ना अखिल वो फिजियो है, तो वो जस्ट भी आया जिम में, मैंने उसको पूछा मैं खैर ज़्यादा पड़ रहा है, उसने एक्सरसाइज कराए थे ना मेरी, वो कहता लेग्स का कुछ भी ना लगाओ, खैर 3-4 दिन लगेंगे एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी इनकी।
देख लो हमारे घर में फ्रिज होते हुए ना, मैं इतने ढील लिया, मैं उससे कुछ नहीं कराता। मैंने उसे अब जब जायज बढ़ गया ना, तब उसे कहा मखा यार मेरे पेन ज़्यादा हो रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है अब, तो भी जिम में बोला कि भाई वर्कआउट मत लगाओ। और मेरे चक्कर में ना ये खड़ा है, ये वर्कआउट करने आया था इसने। भाई तुमने क्यों नहीं किया वर्कआउट आज? हाँ भाई तुमने क्यों नहीं किया वर्कआउट फिर आज? मेरे तो चल पेन थी, साथ के साथ नहीं किया यार। ये भी कोई बात है, तो बार बनने की ना, हाथ रिलैक्स लगानी चाहिए थी। आपकी रिकवरी हो जाएगी थी, मेरी रिकवरी क्या आपकी रिकवरी? देखो मंडे मुंडे कहाँ, चार पाँच दिन लगेंगे अभी, पर तो वर्कआउट करना चाहिए था रिलैक्स का, रिलैक्स रहेगी हिसाब से रिलैक्स। हैं फास्ट किस चीज़ का था? एकादशी का फास्ट रखा था। अच्छा जी चलो जी, इसका तो फास्ट था भाई आज एकादशी का, मैं पता नहीं आज ये कौन सा फास्ट होता है, कह रहा फास्ट था। अब मैं जा रहा हूँ घर यार, पर मेरे हिप में दर्द बहुत हो रहा है आज। एक और जगह उठ जाना था हमने आज, पर हम वहाँ गए नहीं आज। कुछ सीक्रेट तो था, पर चलो दिखा देते हैं आपको आज वो, पर वहाँ जा नहीं पाए अब यार। और आज सारे दिन बारिश रही है, क्या आप लोग करते बताओ भाई। ठीक है तो मैं करूँ ब्लॉग की एंडिंग जी, बाय बाय टाटा सी यू, जल्दी मिलते हैं।